हाय गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बॉक्सिंग में होने वाले बेसिक कॉम्बिनेशन पंचेस बताऊंगा। कॉम्बिनेशन इसलिए इफेक्टिव होते हैं, मिसाल के तौर पर आप अज्यूम करिए कि आप किसी ट्रेन बॉक्सर के साथ फाइट कर रहे हैं। ऑलराइट, मैंने आपको बेसिक 1 2 3 4 पंचेस बताए थे। अब अगर आप सिर्फ जैब या सिर्फ क्रॉस या सिर्फ हुक और सिर्फ अपकट सिंगल पंचेस थ्रो करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका ट्रेन जो ओपोनेंट है वो डिफेंड कर पाएगा अपने आप को, इसलिए इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी आपके पंचेस की। कॉम्बिनेशंस की स्ट्रेंथ यहां पे आती है कि कॉम्बिनेशन मींस यू आर अटैकिंग फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स। ऑलराइट, तो जब आप मल्टीपल एंगल से अटैक करते हैं तो योर ओपोनेंट इज फोर्स की उसको मल्टीपल तरीके से उनको डिफेंड करना पड़े, जहां पे वो गलती करेंगे और आपको अपॉर्चुनिटी देंगे स्कोर करने के लिए। ऑलराइट, दैट इज व्हाई कॉम्बिनेशंस आर वेरी वेरी इफेक्टिव इन बॉक्सिंग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, let's get started with our first combination for this video. Our first combination is very very simple, 1 and 2. ye simple hai but bilkul galti mat kariyega ise underestimate karne ki. ye combination itna acha hai ki ise aaj bhi professional fighters use karte hain. 1 and 2 jo hota hai ye do tarike se hota hai, isme do variants hote hain, main aapko dono explain karta hu. kuch set of boxers jo hote hain wo 1 mein zyada power nahi dalte, उनका ऑब्जेक्टिव जैब थ्रो करने के पीछे सिर्फ इतना रहता है कि वो ये देख ले कि वो ओपोनेंट तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। इतना इंश्योर होने के बाद कि वो ओपोनेंट तक पहुंच पा रहे हैं, फिर वो अपने क्रॉस को बहुत जोर से मारते हैं। ये एक सेट ऑफ बॉक्सर्स है, ये भी सही तरीका है। एक और तरीका है जिसमें बॉक्सर्स जैब में भी बहुत पावर डालते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जैब को इतना पावरफुल तरीके से मारो कि ओपोनेंट का जो गार्ड है वो शिफ्ट हो जाए हिट होने की वजह से, और जब गार्ड ऑब्वियसली शिफ्ट होगा तो फेस एक्सपोज होगा, क्रॉस को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्कोर करने की और हिट करने की इंपैक्ट के साथ। दोनों तरीके अलग हैं बट दोनों तरीके सही हैं, आप जिस तरीके में कंफर्टेबल हो आप उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सेकंड कॉम्बिनेशन जो इस वीडियो का है दैट इज 1 1 एंड 2। एक बेसिकली जैब जो है वो एड किया है इसमें। इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की जो स्ट्रेंथ है ये इसका सरप्राइज एलिमेंट है। जब आप 1 and 1 2 करते हैं तो स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन 1 and 2 होता है, तो ओपोनेंट को लगता है कि अब आपने 1 कर दिया है, मतलब आपने पहला जैब मार दिया है तो वो क्रॉस एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन सडनली आपका सेकंड जैब उन्हें सरप्राइज करता है। और जब भी आपका ओपोनेंट सरप्राइज होगा वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर आप कुछ और करेंगे तो चांसेस है कि वो मिस्टेक करेगा, आपको अपॉर्चुनिटी देगा और तब आप अपना पूरा पावर से क्रॉस मारेंगे, अगेन स्कोरिंग चांस मिलेगा। सेकंड कॉम्बिनेशन सरप्राइज एलिमेंट होता है, आपको एक सरप्राइज एलिमेंट देता है। थर्ड कॉम्बिनेशन जो है आज का और लास्ट कॉम्बिनेशन इस वीडियो का, इट्स अगेन अ बेसिक कॉम्बिनेशन बट अ वेरी इफेक्टिव कॉम्बिनेशन, एंड आई विल टेल यू व्हाई इट इज सो इफेक्टिव। द कॉम्बिनेशन इज 1 2 एंड 3, जैब क्रॉस एंड अ लेफ्ट हुक। ऑब्वियसली ऑर्थोडॉक्स के लिए लेफ्ट हुक है, अगर आप साउथ पॉ हैं तो डिफरेंट हो जाएगा, तो आपका राइट जैब लेफ्ट क्रॉस एंड देन राइट हुक। ऑलराइट, ये आप चेंज कर सकते हैं अपने स्टांस के हिसाब से। द रीजन व्हाई 1 2 3 कॉम्बिनेशन इज सो इफेक्टिव बिकॉज इसमें तीनों पंचेस डिफरेंट है। राइट, जब तीनों पंचेस डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एंगल से आ रहे हैं, तो ओपोनेंट को डिफरेंट तरीके से इसे डिफेंड करना पड़ता है, और यहीं पे आपको चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है स्कोर करने की। इनिशियली जब आप ट्रेन कर रहे हैं तो हुक में ज्यादा पावर मत डालिए, पहले 50% पावर पे ट्रेन करिए अपने आप को। जब आप कंफर्टेबल हो जाएं इस तरीके के कॉम्बिनेशन से तब धीरे धीरे अपनी हुक में पावर ऐड करिएगा। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट ये कि जब आप कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फास्ट करिए अपने कॉम्बिनेशन को, बिकॉज बहुत जरूरी है कि आप अपने कॉम्बिनेशन को फास्ट मारे, क्योंकि जब आप ये करेंगे, जब आप बहुत फास्ट मूव करेंगे तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्कोर करने की फाइट में। ऑलराइट, सो प्रैक्टिस करते रहिए, आई एम श्योर आप प्रैक्टिस के साथ बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगे। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको एडवांस कॉम्बिनेशंस बताऊंगा। अंटिल देन कीप ट्रेनिंग, कीप इंप्रूविंग एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।